नवरात्रों में बस एक ये शब्द बोल देना, हर कोई सम्मोहित होगा इस शब्द से। ये अत्यधिक सम्मोहित शक्ति वाला शब्द है। ये एक बीजाक्षर है जो माता दुर्गा से संबंध रखता है। पूरा वीडियो देखिएगा जिससे आप प्रोसीजर जान पाएँ और इस शब्द को भी जान पाएँ। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मैं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर उमा श्री में आपका स्वागत करती हूँ। मैं 25 साल से ज्योतिष पर परामर्श दे रही हूँ। अगर आप हमसे परामर्श लेने के इच्छुक हैं तो अभी डिस्काउंट दिया जा रहा है, नवरात्र डिस्काउंट, और ये राशि रखी है हमने जन्म पत्र से संबंधित परामर्श लेने के लिए 1500। इसके अंतर्गत आप 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप एक सवाल पूछना चाहते हैं और आपकी जन्म पत्री भी नहीं है तब भी आपको सलाह दी जाती है। आपको बस 1 से लेकर 10 नंबर तक में के बीच का कोई नंबर हमको लिखना है और आप जान पाएंगे अपना फलादेश, आपको क्या करना है उपाय भी जान पाएंगे, और एक सवाल पूछने का ही आपको मौका मिलेगा। इसके अंतर्गत 500 रुपये में एक सवाल कोई महंगा सौदा नहीं है, क्योंकि हमारा अनुभव बहुत ज़्यादा है, उसके आगे ये कुछ भी राशि नहीं है। तो हमें सपोर्ट करें और संपर्क करें। अगर आप हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें अनुग्रहित करेंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ईमेल आईडी में जाएं और परामर्श ले में डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है, उसके थ्रू आपको संपर्क करना पड़ता है। तो तुरंत संपर्क करें, हम मात्र 100 लोगों को ही परामर्श देंगे, ये हम पूर्व में आपको बता चुके हैं। अभी 90 से अधिक हमारे पास क्वारी आ चुकी है और हम 10 लोगों को ही मौका देंगे, तो आप अवश्य जल्दी संपर्क करें और लाभ उठाएँ इस ऑफ़र का। मित्रों, नवरात्रों में ये बीजाक्षर इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये माता दुर्गा से संबंधित है, और माता दुर्गा से संबंधित आप कोई भी उपाय नवरात्रों में करते हैं तो अत्यधिक वर्क करते हैं। तो ये बीजाक्षर इतना पावरफुल है, इसको लिखने का तरीका होता है, इस नाम का तिलक भी कर सकते हैं। आपको क्या लेना है, सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ होती है, सफ़ेद जिसको आंकड़ा होता है ना, जिसको अकाओ भी बोलते हैं, जिसमें गणेश जी बन जाते हैं, और केले का रस लेना है। केले का रस मतलब केले के पत्ते का नहीं, केले का शेक टाइप बना लीजिए, उसमें चीनी वीनी नहीं मिलानी, कुछ भी मेल्ट करना है मिक्सी में और उसको लेना है, और उसमें सिंदूर मिक्स करना है, और आप इस बीजाक्षर से तिलक करते हैं अभिमंत्रित करके, तो हर कोई सम्मोहित होता है। इन तीनों चीज़ों को लेना ज़रूरी है, तभी ये वर्क करेगा। ये शब्द है द और ऊपर बिंदी, दंग भी आप बोल सकते हैं, दम भी बोल सकते हैं, दन 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 भी बोल सकते हैं। तो आप द के ऊपर बिंदी लगा दीजिए और इसको बीजाक्षर को अभिमंत्रित करके इसी का तिलक लगाते हैं, या इसको अभिमंत्रित करके द लिख के उस पर बिंदी लगाते हैं और इसका तिलक लगा देते, इसको तिलक के रूप में उसको लिख देते हैं शब्द को, तो हर कोई सम्मोहित हो जाता है। आप सिंपल तिलक भी लगा सकते हैं, बस आपको सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेनी है और केले का रस लेना है और सिंदूर के साथ उसको मिला देना है। केले की जड़ को पेस्ट टाइप बना लीजिए, केले के रस को भी पेस्ट टाइप बना लीजिए और सिंदूर मिक्स करके अभिमंत्रित करें। वो अभिमंत्रित हो जाएगा, माता दुर्गा के चित्र के समक्ष आप इसको रख देंगे तो ये चित्र, ये तिलक अभिमंत्रित हो जाएगा, और इसको लगाएं तो आप जिसको भी जिसके भी आगे जाएंगे वो आपको बहुत बहुत सम्मान करेगा, आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। और अगर आप चाहें तो ग्वार पाठा लेवें और भांग के बीज को पीस लेवें और इसका उच्चारण करें। आप धूम दुर्गा या नाम भी बोल सकते हैं, धूम माता दुर्गा का बीज मंत्र है, धूम 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 इसका जाप करें तो आपको फ़ायदा होता है। और इसका जाप करने से मतलब ग्वार पाठे में भांग के बीज मिलाने हैं और इसका उच्चारण करना है, और मस्तक पर तिलक की तरह आप लगाएंगे तो अत्यंत शुभ फल मिलते हैं आपके, और लोग आकर्षित होंगे। आपका स्वरूप कैसा भी हो लेकिन आपकी और अट्रैक्ट हो जाएंगे लोग। ऐसी महिलाएं जिनका पति उनके तरफ अट्रैक्शन नहीं करता है, अट्रैक्ट नहीं होता है, वो भी ये काम कर सकती हैं। किसी को भी सम्मोहित करने के लिए आप काम कर सकते हैं। ऐसा करने से पति पत्नी का भक्त बन जाता है, तो किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के अलावा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी ये प्रयोग कर सकते हैं। जिसको भी आप सम्मोहित करना चाहते हैं उसके लिए आपको ये काम करना है। आप चाहें तो जौ का आटा लेवें, उसमें हल्दी मिलाएं और सरसों का तेल मिलाकर इसका तिलक उच्चारण करके करें, तो किसी भी औरत को आप अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग
शालीनता के दायरे में करें और अभद्रता ना करें किसी के साथ, तभी आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। स्त्रियों का सम्मान करें, माताओं बहनों का सम्मान करें, तब आपको इसका पूर्ण फल मिलेगा। पवित्रता ज़रूरी है सम्मोहन की क्रिया करने से, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलते, लेकिन अगर आप गलत तरीके से इसका प्रयोग करते हैं तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। जिसको आप वश में करना चाहते हैं वो आपसे नफरत करने लग सकता है। आपका प्यार सच्चा होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा। तो करके देखिए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करिए। हम हैं एस्ट्रोलॉजर और वास्तु कंसल्टेंट डॉक्टर ओमाश्री। थैंक यू सो मच।